नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। जैसलमेर जिले की वे पंचायत समिति जैसलमेर की ग्राम पंचायत छतरेल के सरपंच उर्स अली, जिनके प्रतिनिधि वे समाज सेवी फजले खान से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत क्षेत्र में हुए अब तक के विकास कार्यों वे पंचायत में आ रही समस्याओं को लेकर विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान फजले खान ने बताया कि ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था में उचित सुधार की आवश्यकता है, जबकि विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है और लगातार कई दशकों से पंचायत में पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ समाज सेवी फजले खान की विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत छतरेल के जो समाज सेवी है उनसे रूबरू होने जा रहे हैं फजले खान जी, जो युवा समाज सेवी हैं। गांव के लोगों ने इन्हें सरपंच चुना था, अब इनकी क्या उपलब्धियां हैं, गांव की समस्या क्या है और इन्होंने कहां तक समाधान किया है और वर्तमान सरकार के प्रति इनके क्या विचार हैं, तो जानते हैं। फजले खान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो फजले खान जी, गाँव की जनता ने आपको सरपंच बनाया था, कैसा महसूस हो रहा है, कितने खरे उतरे हो? नहीं, वो बात सही है, जब गांव ने सपोर्ट करके मेरे को सरपंच बनाया जी। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो भी जितना हो सका जी, जो सरकार ने जितना भी जो बजट दिया जी, उसके प्रति जो भी मेरे से जितना हुआ उतना मैंने किया जी। बाकी हमारे जो गांव में जो मेन समस्या है जी जी, वो समस्या है पानी की। यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, जो अंडरग्राउंड में वो पानी खा रहा है जी जी। और यहाँ से जल बारिश हो जाती है तब तो मवेशी को वगैरह सब में थोड़ा राहत मिलती है। बाकी हमें यहाँ से मतलब 15 किलोमीटर मोल का टैंकर डलवाना पड़ता है ट्रैक्टर से, हर घर में टैंकर आता है जी जी। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी बिल्कुल यहाँ नहीं है जी जी। और तो सरकार तो कह रही कि बड़े बड़े वादे करे कि हम जल जीवन मिशन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ रहे हैं, प्रत्येक डाणी को जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। वो अभी हमारे यहाँ सर्वे होके गए, अभी उसमें कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, अभी कोई ठेकेदार नहीं आया ना कुछ हुआ है अभी, और सर्वे वास्तव में हुई है करके गए, बाकी वो भी काम स्टार्ट वगैरह नहीं किया है। और पानी वाली मेन समस्या हमारे पानी की प्रॉब्लम है। तो छतरेल के अंदर कितने गांव आते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने यहाँ आबादी? छतरेल में हमारे राजस्व गांव दो ही है, एक छतरेल है एक तेजुआ जी जी। पहले तो हमारा मतलब अभी पंचायतों का जो हो गया ना पुनर्गठन, उसमें अलग हो, पहले हमें काड़ा ये खड़ेर वगैरह सब साथ में थे जी जी। अभी हमारे यहाँ करीबन 1750 वोट है और लगभग 25 से 26 आबादी है, ठीक है। उसमें हमारे यहाँ स्कूल भी है, 12वीं तक स्कूल है, उसमें मेन तो टीचर बिल्कुल नहीं है जी जी जी। स्कूल में टीचर अभी उसमें कम से कम 15-20 टीचर होना चाहिए, उसमें 5-7 ही टीचर है जी जी। अभी पहले हमारे यहाँ उत्तरी छतरेल में प्राइमरी स्कूल थे, अभी 8वीं हो गई, 8वीं इसमें भी टीचर नहीं है जी जी। और हमारे यहाँ कम से कम 200 कम लड़कियाँ 80-90 लड़कियाँ पढ़ती है स्कूल में, उसमें लेडीज टीचर की मतलब प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है जी जी। एक है जो प्राइमरी वाली लगा रखी है वहाँ पे, इतना उनको भी नॉलेज ही नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम एक स्कूल वाली है। बाकी जितना हमारे से हो रहा है हम करें, बाकी सरकार ने जो योजनाओं की है उसका, अभी जैसे हमारे मंगई रात कैंप लगी थी उसमें काफ़ी लोगों ने उनको बेनिफिट भी मिला है, ऐसी बात नहीं मिला है, लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन भी करवाया, कोई काफ़ी लोग कुछ लोग रह गए, बाकी सब लोगों ने करवाया है जी जी। आपने कहा कि पेयजल और शिक्षा जो अहम कड़ी है, सबसे बड़ा अहम सबसे पहले शुरुआत है अपने, क्योंकि जल ही जीवन है जी। तो कहीं ना कहीं आज सरकार की नाकामी कह सकते हैं भाई, ये मैन पानी वाला तो आज से नहीं है, काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है जी जी जी। काफ़ी सालों से आज़ादी के इतने दशक बीतने के बाद भी अगर गांवों की ये हालात है तो क्या कहेंगे, जिनको एक मजदूर है उसकी क्या हालत होगी, वो किस प्रकार से टैंकर डाला भाई? ये तो हमारे गांव का भाई बहुत, हमारा ऐसा नहीं है कि छतरेल गांव एक सिटी से जुड़ता गाँव है, मतलब इतना दूर भी नहीं, 20 किलोमीटर है, ये इतना मतलब काफ़ी, ये हमारे गाँव की स्थिति तो बाकी बॉर्डर वाले गाँव की पता नहीं क्या होगा, हाँ उनका और भी खराब हाल होगा। बाकी हमारे गांव में मेन प्रॉब्लम शिक्षा और पानी की है, तो स्कूलें बना रखी है सरकार ने, कर दी स्कूलें कर, अभी उसमें पढ़ाने वाला कोई नहीं जी जी। ऐसे नहीं कि बच्चे भी नहीं, बच्चे बहुत जाते हैं स्कूल में, छोटे बच्चे से लगा के 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें मेन शिक्षा वाली प्रॉब्लम टीचर बिल्कुल है नहीं जी जी। और बाकी पानी वाली यही जो आपको बता, तो उच्च अधिकारियों को या अपने जो स्थानीय राजनेता उनको कभी अवगत करवाया इसके बारे में? स्कूल में लोग भी लगवाया था जी जी, 2 बार तालाबंदी भी किया जी जी। टीचर नहीं थे, फिर उस समय ट्रांसफरों पे रोक लगी हुई थी, अभी नई भर्ती आई थी ना अपने जो टीचरों की जी जी। उसमें अब आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया है कि भाई हम लगाएंगे,
अब उस समय जब तालाबंदी किया था उस समय प्राइमरी वाले को उधर कर दिया, एक कांला से इधर कर दिया, इधर इधर करके जैसे तैसे कर सरकार ने मतलब संतुष्ट किया पब्लिक को। बाकी वहाँ पे लगाया अभी तक टीचर नहीं है बिल्कुल। सरपंच बने 2-3 वर्ष बीत चुके हैं, क्या विकास करे हुए बड़े तौर पर अपने? सर अभी मेन तो ये है विकास लोगों का, जैसे अपने मेन विकास तो अभी सरपंच के हाथ में ये शिक्षा वाला ये तो है नहीं जी जी। बाकी जितना किसी का घर के आगे कोई टांका बनाना है पानी के लिए या किसी की रोड बनानी है जी जी। ये तो हमने किया है जी जी। घरों में जो गलियों में जो रोडें बनानी है जी जी। रोडों का किया है, पानी के जो टांके जिस लोगों की जरूरत थी जिसके घरों के आगे बिल्कुल धरातल पर टांके नहीं थे पानी के इकट्ठा करने के लिए शौचालय बनाए और बाकी जितना हो सका हमारे से हमने किया है। सरपंचों को अब की बार सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या वजह रही? सर ऐसे है सर, सरपंचों का ये है, सरपंचों को मेन बात तो ये सरकार ने बिल्कुल मतलब जो SFC और FFC की जो किस्तें आती थी वो बिल्कुल रोक दिया था बीच में जी जी। उसमें बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे थे कोई मामूली बीच में आए। पहले 1-1.5 साल तो कोरोना में सरपंचों का चला गया, 1.5 साल तो कुछ सरपंच कर ही नहीं पाई बिल्कुल। और उसके बाद में जो बजट आया था तो उतना भी बजट नहीं आया, जो जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं आया जी। जो जितना देना था सरकार को उतना नहीं दिया जी। और महंगाई रहे तो राहत कैंप जो अभी सरकार लगा रही है, क्या मानते हो वोटों की राजनीति है या हकीकत में इससे कुछ फ़ायदा मिला? महंगाई राहत सर ऐसे हैं ना, इसमें लोगों को मेन बेनिफिट महंगाई राहत में यही है कि एक तो गैस सिलेंडर वाला है जी जी। इसमें लोगों को फायदा हुआ है, जो 1100-1200 में गैस सिलेंडर की टंकी मिलती थी वो 500 रुपये कर दिए, 500-550 जो भी है वो कर दिया, उसमें लोगों को फायदा मिला है। बाकी जो चिरंजीवी वाला है इसमें हमारे मतलब लोगों को जिस गरीब आदमी को जी जी। बिल्कुल गरीब आदमी को जहाँ पे जिसको आज 50,000 का जो इलाज करवाना था वो आज फ्री में हो रहा है या 1,00,000 रुपये लग रहा था वो फ्री में हो रहा है जी जी जी। तो वो फ़ायदा हुआ है। ये थोड़ी लेट आई है योजना, लेट आने में भी पहले आती तो लोगों को मतलब सरकार को भी बेनिफिट होता है, ये एंड में आई है चलो इसमें ठीक है सर, पब्लिक को फायदा है इसमें जी। सर आपका पूरा नाम? खैर दिन जी, आप यहीं के निवासी हैं जी। तो महंगाई राहत कैंप जो अब की बार सरकार लगा रही है यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लगे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, चुनावी रेवड़िया कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो साहब मुंगाई तो जो बीजो तो सब सरपंच पंचायत में मारा कम घनी घटी सरपंच के वास्ते जो कोई खरान जो होंदो कोई रोड होंगी कोई शौचालय होंदो जो को सब डेन नहीं नहीं वो तो ठीक है पंचायत बिल्कुल सही बात है। मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिल्कुल विधानसभा चुनाव इस वक्त बिल्कुल 2-5 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और जो महंगाई राहत है कैंप सरकार बड़े बड़े वादे कह रही है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चिकित्सा सेवाएं वो फ्री दे रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसका लाभ कोई किसी को मिला? ये लाभ घने मिले साहब, बहुत खूब मिले लाभ है। हमारा मरीज को इलाज फ्री हो रहा है, सब कुछ फ्री इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल फ्री हो रहा है, सब दवाई फ्री हो रही है, सब कोई कमी है नहीं कोई कमी नहीं है। चुनाव तो आएगा तो सरकार वोट में तो कांग्रेस की वोट गिर रहे हैं, बिले कांग्रेस नहीं होता सर लुका देसी ST कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, जो कांग्रेस टिकट है उसको साथ रहा था। अभी जो सब कुछ बढ़िया चल रही है, आपकी नजरों में किसी को ऐसा कोई आपके गांव के अंदर किसी को लाभ मिला? मुख्यमंत्री हमारा जनते आमद नायक 70 साल का था, ये 4 ब्लॉक खत्म हो गया था, खत्म जो तो ले गया इलाज फ्री गया ना डॉक्टरों कल्याण कर 2 किलोमीटर पड़वा खाना वाना खाओ तैयार हो गया सब, बहुत फायदा कर मुठ करें कुल मिला के मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो 5,00,000 रुपये कहाँ से लगाए। हाँ गरीब कहाँ से लगे, तो सब फ्री है मेरा, जैसलमेर इलाज होते सब फ्री है, जोधपुर जाऊँ तो फ्री है, राजस्थान में सब फ्री इलाज हमारा सबको, कांग्रेस को सरकार बहुत बढ़िया कम करे पहुँचात कर बहुत बढ़िया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या कहना चाहेंगे इस योजना के लिए? इस अशोक गहलोत बहुत बढ़िया कम करे, वो गलत कम करे बहुत बढ़िया करे, राणू फ्री करनू फ्री डर आए सब जो इलाज फ्री है सब कुछ फ्री है सब कम, तो बहुत अशोक गहलोत बढ़िया करे। सर मतलब एक बात कहना चाहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि ये तो चुनावी रेवड़िया। सर ये चुनावी मुद्दा विपक्ष का तो काम ही होता है, वो तो अपने एक दूसरे पर कोसना ये तो उनका काम ही होता है। बाकी अपना मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो 5 साल में जो इन लोगों ने काम किया है 4-4.5 साल में बहुत अच्छा किया है, ये जो योजनाएं नई योजना लाए हैं इनमें जो लोग समझ रहे हैं
जिनको पता है कि भाई इन, इन इस योजना से ये बेनिफिट लेना, वो लोग बहुत लोगों ने बेनिफिट भी मिला है लोगों को। जैसे अभी खैर दिन ने बताया ना कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग था, उसका चारों ब्लॉक हो गया था, हाँ डैमेज हो गए थे। फिर यहाँ से डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बुढ़ा नहीं बचेगा, या तो फिर उसको अहमदाबाद ले जाओ। वहाँ तो अहमदाबाद में पता किया तो वहाँ उन लोगों ने बताया डॉक्टर ने कि 4-4.5 लाख का पैकेज है। तो वो इन लोगों ने वो अहमदाबाद ना जाते हुए जाके जोधपुर में एडमिट करवाया, वहाँ ये चिरंजीवी वाली योजना से उन लोगों ने अपना इलाज करवाया। इलाज कराया तो बिल्कुल फ्री इलाज हो गया, आज की तारीख में वो रेडी हो गया, घूम रहा है, नई जिंदगी उसको मिल गई। हाँ ये उनके लिए, आज जाके उसके घर में पूछो ना तो उसको पता चलेगा भाई आज हमें कितना इस चीज़ से बेनिफिट मिला है। जिसके घर में जो होती है ना उसको भी पता चलता है कि भाई फिर 4 लाख रुपये लगने वाले आज उनका फ्री हो गया ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम सब इस योजना के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी योजना है। और बाकी जो योजनाएं नई नई आ रही है ये इसमें लोगों को बेनिफिट भी लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले रहे, अच्छी योजनाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, महंगाई रहे तो राहत कैंप को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई लोगों को तो हम यही कहेंगे कि भाई सरकार ने अच्छी योजनाएं निकाली है, इसका बेनिफिट लो, इसका लाभ उठाओ। हर योजना में सरकार ने बहुत अच्छी योजना है, इसमें लाभ लो, इसमें हर आदमी जुड़े। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो भी करवा ले, बाकी जो जितने हमारे यहाँ तो कैंप लगी थी काफ़ी लोगों ने करवा लिया था, बाकी कोई बच्चे हुए तो वो भी उसमें अभी हो सकता है तो वो भी करवा ले, उसमें बेनिफिट ले। तो यह थी हमारी खास मुलाकात छतरेल ग्राम पंचायत के जो युवा समाज सेवी फजल खां जी, जिनका कहना है कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं वो महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से चिरंजीवी योजना को लेकर यहाँ पर एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है, एक गरीब परिवार को लाभ मिला है और उसको मेडिकल सुविधा भी मिली है। और उनका कहना है कि सरकार की कोई भी योजना है जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंप वगैरह चल रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है वो करवाना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।